बिजली, पानी, सीवर सब कुछ इस इलाके में है और सरकारी स्कूल भी इस इलाके में है। हमारे घर ना टूटे, हम ये घर बहुत मेहनत से बनाए हैं, हमारे माँ बाप ने मजदूर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि हैं, रवि मिश्रा मौजूद हैं और अंजलि भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे बड़े फैसले का आज जिक्र होगा क्योंकि हल्द्वानी के हजारों लोगों की नजरें आज देश की सबसे बड़ी अदालत पर हैं। हाईकोर्ट फैसला दे चुका है, 10 जनवरी तक जो भी अवैध अतिक्रमण है वो हटा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा और हजारों लोगों के सामने बेघर होने का खतरा है क्योंकि 29 एकड़ की जमीन पर न सिर्फ स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, बल्कि तमाम ऐसे लोगों के आशियाने हैं जिनके आशियानों पर अगर बुलडोजर चलता है तो वो यहां से बेघर होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हल्द्वानी के गफूर बस्ती के 50,000 लोगों की नजर आज यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कोर्ट के फैसले की हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा, लेकिन इस बीच इंसानियत की लड़ाई में TV9 मजबूती के साथ खड़ा है। और आपको बता दें कि सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। हल्द्वानी मामले पर थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई से पहले सड़क पर महिलाओं का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से पक्ष में फैसले के लिए दुआ मांगी जा रही है। प्रशासन ने भनबूलपुरा इलाके में कई CCTV कैमरे लगाए हैं। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन भी तैयार है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तैयारी कर रखी है कि किसी तरह का कोई विरोध या प्रदर्शन होता है तो उससे निपटने की भी तैयारी की हुई है। कई जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा गंभीर है और ऐसे में विरोध कल बीते दो दिनों से देखने को मिल रहा है। और पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। पीयूष, कितनी देर में ये सुनवाई होगी? कुमार कुंदन भी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ेंगे। जिस गफूर बस्ती को गिराने की बात सामने आई, नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, पीयूष बताएंगे कि कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी। पीयूष, देखिए ये सुनवाई करीब 1 बजे के आसपास होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मध्य में रखा है सुनवाई के लिए। दोपहर में ये सुनवाई इस मामले पर होगी। जहां तक याचिकाओं का सवाल है, इस मामले पर 2 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं अभी तक और सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जनवरी 2022 में भी पहले एक बार सुनवाई कर चुका है। तब उसने हाईकोर्ट को ही दोबारा से इस मामले पर सुनवाई करने के लिए कहा था। तब वहां हल्द्वानी के लोग यहां पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट इस मामले पर हमें पूरी तरह से सुन नहीं रहा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं उनमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि वहां पर जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो भी हैं, यानी कि स्कूल भी हैं, बैंक भी हैं और सामुदायिक केंद्र भी हैं। इसके अलावा ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि जमीन के सभी जो मालिक हैं उनके दस्तावेज भी हैं और वो टैक्स भी देते हैं। ऐसी कई अहम जो तथ्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोपहर में यानी कि करीब 1 बजे के आसपास सुनवाई करेगा। ठीक है पीयूष, हल्द्वानी का सीधे रुख करते हैं। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, लोगों का क्या कहना है और किस आधार पर वो ये मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला रद्द होना चाहिए और इस इलाके में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, अवैध अतिक्रमण वो मानने के लिए तैयार नहीं है, आधार क्या है? देखिए समीर, आशियाने पे आफत है और इसलिए लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। लोगों के कई सारे आधार हैं। मसलन अगर हम ये देखिए, सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिसमें महिलाएं और बच्चे, दुआओं का दौर जारी है यहाँ पे और सारे दुआएं कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में हो। एक तरफ ये लोग सड़क पर बैठे हैं, दूसरी तरफ वो मकान है जिन मकानों पर आफत आई हुई है कि उसको बुलडोज होना है, और तीसरी तरफ एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाऊँगा जिसमें कि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की तरफ से एक यहाँ पे शिला पट्टिका लगाई गई है और जिसमें कि ये इंटर कॉलेज जो हमारे सामने में आप देख रहे हैं ये इंटर कॉलेज बना हुआ है। अब बताइए, सरकारी संपत्ति इस इलाके में बनी हुई है, स्कूल है, कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, इसके अलावा
पानी टंकी है, सब कुछ है, वो हर बुनियादी सुविधा है जो किसी भी मोहल्ले में होती है। लोग टैक्स दे रहे हैं, इसके बावजूद भी लगता है कि उनके आशियाने पे आफत है। छोटे बच्चे हैं समीर, मैं पहले उनसे आपकी बात करवाना चाहूँगा। बाबू, क्या लगता है आप लोगों को? हमारा घर बच जाए, हमारा देश बच जाए, पूरी हल्द्वानी बच जाए, और यहाँ पे सब लोग रहते हैं, इतनी महफिल जमी हुई है, औरतें आदमी सब रहेंगे यहाँ पे बैठे हुए। यहाँ पे अगर घर टूट गया और ये जगह टूट गई तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग रहेंगे सारे। आप पढ़ते हैं? जी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, मदरसा तालीमुल इस्लाम। अच्छा, वो भी टूटने वाला है? जी। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं, हमें नहीं लगता। कुमार, एक बहुत कॉमन सवाल, एक बहुत ही सामान्य प्रश्न इसमें ये उठ रहा है कि रेलवे की तरफ से, जो चूंकि ये जमीन रेलवे की बताई जा रही है, क्या इतने सालों तक रेलवे की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं किया गया? या रेलवे विभाग भी अपनी जमीन के लिए इतने सालों बाद जगह, जबकि वहां पर लोकल जो बॉडीज हैं वो टैक्स वसूलने लगी और वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ सरकारी तंत्र भी वहां पर विकसित कर लिए, क्या रेलवे इतने सालों बाद नींद से जगा है? देखिए रवि, रेलवे की जहां तक बात है तो यहां पास में गोयला रिवर है, वहां पे एक पिलर गिर गया। पिलर गिरने के बाद जब जांच कमेटी बैठी तो उसमें इस तरह के मामले सामने आए कि अवैध खनन की वजह से ये पिलर गिरा है, और जब अदालत ने पूछा ये अवैध खनन किसकी तरफ से हुआ है तो बताया गया कि बगल के इलाके के जो लोग रहते हैं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, उन लोगों ने अवैध खनन किया, ऐसा आरोप है। और उसके बाद ही सारी राम कहानी शुरू हुई, और तब पता करने की कोशिश की गई कि कौन है, कहां से है, तब जाके रेलवे को समझ में आई कि ये तो मेरी जमीन है और इसमें तकरीबन 4,500 परिवार ऐसे हैं जो बसे हुए हैं। और 1884 का हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पटरी बिछाने का काम उस समय शुरू हुआ था, और उस समय से लेकर अब तक सारे लोग शांत थे, सारे लोग चुप थे। बिल्कुल कुमार कुंदन, बहुत पुराना ये मामला है जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी की निगाहें जमी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला इस पूरे मामले को देखते हुए लेता है। पीयूष, जरा ये बताइए, अगर हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आता है, अगर संभावना ऐसी बनती है कि अतिक्रमण वहां से हटाया जाए, तो वो लोग जो कि इतने सालों से यहां पर रह रहे हैं उनके लिए क्या सोचा जाएगा? क्या दूसरे जगह उनके रहने की, किसी तरीके के मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी? क्या ऐसा कोई फैसले में एक कॉलम आ सकता है? देखिए, आज जो सुनवाई होनी है वो बहुत ही शुरुआती दौर की होगी, और उस मामले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतरिम रोक लगा देगा, यानी कि अंतरिम आदेश जारी होगा, और इसके बाद हर एक पहलू पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे जो है सुनवाई करेगा, क्योंकि सभी पक्षकारों को, यानी कि जो रेलवे है उसके पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके आधारों पर भी गौर करेगा। हर एक बिंदु पर गौर करने के बाद ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा। आज जो सुनवाई होगी वो एक तरह से शुरुआती सुनवाई होगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा और साथ ही ये भी पूछेगा कि आखिर आप लोग जो आए हैं, यानी कि याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका दाखिल की है उनके आधार क्या हैं। जी।